बहुत बढ़िया। अरे अपने दंतों को इतना मत भगा। धीरे धीरे। दद्दू क्यों ना हम दूसरा कोई खेल खेले? कौन सा खेल? आप आंखें बंद कीजिए, मैं कहीं जाके छुप जाऊंगा, आपको मुझे ढूंढना होगा। ठीक है, ढूंढूंगा। मैं बहुत दूर जाके छुप जाऊंगा, फिर आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे दद्दू। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं। मैं रेडी। आ जाऊं क्या? आइए। राजा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अच्छा, राजा, 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 ए राजा! ओह, अब मैं उसे कहाँ जाके ढूंढू, पता नहीं कहाँ चला गया। राजा, ए कहाँ चला गया अपने दद्दू को छोड़कर? ए राजा, अरे तू कहाँ छुपा है? ओह राजा, ए राजा तू कहाँ है? ये क्या दद्दू, देखिए मैं यहाँ हूँ। अरे तू यहाँ है? देखो मैंने आपको हरा दिया। अच्छा। दद्दू उठिए ना दद्दू। कुछ देर के लिए तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शांति, रोज पति की फोटो के सामने खड़े रहकर आंसू बहाने से वो वापस नहीं आ जाएगा। मेरा बेटा आम मौत नहीं मरा है, देश को बचाने के लिए वो शहीद हुआ है, उसकी बहादुरी पर गर्व करना चाहिए। आंसू नहीं बहाते। दद्दू नाश्ता खाने नहीं आ रहे क्या? अभी आता हूँ बेटे। तुम्हारा बेटा नाश्ता मांग रहा है, नाश्ता लगाओ। तुम्हारा दुख कभी उसको बस जाहिर मत करना। बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं, दोनों के दांत नहीं होते हैं, चलते समय सहारे की जरूरत होती है। ले तू खा। आप खाइए। अरे तू खाना। आप खाइए। नहीं नहीं, तुझे खाना होगा। अच्छा नहीं, ऐसे ही लड़ते रहना। अब जल्दी नाश्ता करो, स्कूल नहीं जाना है क्या? हेलो अंकल। अरे रे चंदर आ जा। ये क्या, वो डॉक्टर है और आप उन्हें ऐसे बुला रहे हैं? हाँ बड़ा डॉक्टर है, बचपन में मेरी गोद में धार मारा करता था ये, और इसका बाप कंजूस मक्खी चूस। क्या वो? चुप रहे, वो कॉलेज का दोस्त है, तो उसके बेटे को तू कह के नहीं बुला सकता क्या? मुझे आप तू कह के बुलाइए या कुछ भी कह के बुलाइए, साथ ही वो फीस भी निकाल दीजिए। नहीं तो इतना पैसा खर्च करके तुझे डॉक्टर बनाया और तो फीस लिए बिना आया है, मेरी गर्दन पकड़ लेंगे पिताजी। पहले नाश्ता खाओ। ये बोलना पड़ेगा क्या? इस समय तू उस घर में जा, वहाँ नाश्ता तैयार होगा, ऐसा बाप ने बोल के भेजा होगा। पार्सल भी मंगाया क्या? हाँ खा के देखना, अगर अच्छा है तो पार्सल बना के ले आना बोला। अंकल हाँ? क्या आपके घर में सुबह नाश्ता नहीं बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं ना, हर दिवाली पर, वो भी उछाल के फेंकेंगे, मुझे दौड़ के खाना पड़ता है। अरे सुन राजा, तूने छोटे मोटे कंजूस तो देखे होंगे, इसका बाप सबसे बड़ा महाकंजूस है। खा ले। रुके, मुझे आपका बीपी चेक करना है ना। तुम जो चाहे चेक करो, पर इनकी बीमारी नहीं पकड़ सकते। भला ऐसी कौन सी बीमारी है? पोती से प्यार की बीमारी। अरे बाप रे, ये तो वायरस की बीमारी हो गई, फिर तो उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ेगी। हाँ, जैसे ये नहीं करती, सुबह सुबह आरती की थाली लेकर पति की फोटो के सामने पूरा एक घंटा खड़ी रहती है। राजा खा के जल्दी निकलो। हाँ राजा, तुम स्कूल जा रहे हो ना, जाते समय तुम्हारी गाड़ी में चलूंगा, मुझे छोड़ देना ठीक है? शांति, इस महीने की इसको फीस देते समय रोज यहाँ जो नाश्ता करता है और कार में जाता है उसके पैसे काट लेना। नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। अरे मैंने ऐसे मजाक में कहा, खाओ। वो डोसा था ना, वो वहाँ लाओ दो। अरे यहाँ धकेल दो ना। हाँ ये
मंदिर पे जो भी आता है सबसे पहले मेरी ही दुकान पे फूल खरीदता है। अरे भैया कैसे हो परमेश? आओ मीनाक्षी, यहाँ भले ही मंदिर के देवी को कोई नहीं जानता हो लेकिन ऐसा कोई यहाँ नहीं है जो तुम्हें नहीं जानता हो। यहाँ पे सबसे मशहूर तुम ही हो। तुम्हें देखते ही सामने से आने वाला सिर झुका लेता है और जैसे वो तुम्हारे पास में आता है तो समझ लो। कैसे हो मीनाक्षी? तू लार क्यों टपका रहा? ठीक है फूल दो। तुझे फूल नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? तुझसे ही तो मेरी दुकान चल रही है, बता कितना दूं? ये रहने दो, ये वाले दो। ये क्या, ये वाले फूल मांग रही हो? आज ऐसी क्या खास बात है? आज घर में वो आए हुए हैं। क्या, आज वो आए हुए हैं? वापस भी तो जाएंगे ना। कितना दूं? अरे काटना नहीं। अरे बाकी के फूल बांधे हुए नहीं है? ये फूल मुझे ऐसे ही दे दो। तुम एक काम करना, सेंट जरा ज्यादा लगा लेना। ये हिसाब में लिख लेना। ये भी पहले से ही बहुत बढ़ गया है। अरे तो क्या हो गया, इसी महीने चुका दूंगी। अरे क्या बोल के, अरे आओ राजा, ये देखो राजा तुम्हारे लिए खास गुलदस्ता बनाया है। थैंक यू। ये थांकू अंकू क्या होता मुझे नहीं पता, बस यहाँ दे दो। हाँ मैं कभी भी किसी का उधार बाकी नहीं रखता। मेरी बीवी मुझे जब भी कुछ देती है मैं तुरंत उसे वापस कर देता हूँ। अभी तुमने मुझे कुछ दिया है ना, उसे अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं वापस दे देता हूँ। सुनो राजा, ये शीशा चढ़ाकर जैसे तुमने मुझे धोखा दिया वैसे मेरी दुकान पे ना आकर मुझे धोखा मत देना, रोजाना आना, ठीक है? और सुनो, मेरा नाम है परमेश और तुम हो गाड़ी वाले राजा। अपने ड्राइवर से बोलना गाड़ी ठीक से चलाए। ये क्या परमेश, वो बच्चा रोजाना कार में आता है, तू उसे फूल भी देता है लेकिन उससे पैसा कभी नहीं लेता है। क्यों रे, फूल जैसे बच्चों के पास से कोई पैसा लेगा क्या? ये तो अपनापन है, उल्लू का पट्टा कहेगा। गांव में मेरा भी इतना बड़ा एक बेटा है, इस बच्चे को जब भी मैं फूल देता हूँ तो मुझे मेरे गांव का बेटा याद आ जाता है। भानुमति, भानु। क्या हुआ? मैं बाजार जा रहा हूँ। ये क्या ऐसे ही जा रहे हैं, कमीज भी नहीं पहनी है? कमीज प्रेस के लिए रखी है, ले ये पकड़। प्रेस के लिए रखी हाँ। है? ओहो, इसके नीचे प्रेस कर रहे थे क्या? धोबी वाला प्रेस का एक रुपया मांगता है, अपने हाथ का काम कुछ और ही होता है। सोफे के नीचे रखने पर कपड़े अपने आप प्रेस हो जाते हैं। आप ऐसी कंजूसी करते रहे ना, शर्ट के चार बटन गायब हैं। मेरे ख्याल से चार बटन ठीक हैं, आठ आठ बटन की क्या जरूरत है? मैंने ही चार बटन निकाल के दूसरी कमीज के लिए रखे हैं। तूने तो देखे होंगे, सोफे पर जब कोई बैठने के लिए आता है तो मैं उसे साइड में बैठने के लिए कहता हूँ। वो किस लिए है? क्योंकि सोफे के एक एक कोने में कमीज रखी होती है इसलिए। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, दरवाजे पे आकर सब्जियां देकर जाता है, आप क्यों बाजार जा रहे हैं? वो इसलिए कि वो डबल भाव लगाता है। आप कार लेकर जाते हैं, पेट्रोल खर्च नहीं होता है क्या? उल्लू कहीं की, मैं कार लेकर कहाँ जाता हूँ? ठीक है बस में जाते हो, 50 पैसे लगते हैं। मैं भला बस में क्यों जाऊंगा, भगवान ने मुझे पैर जो दिए हैं। सुनिए क्या है, बाजार जा रहे हैं ना, एक साबुन लेकर आ जाओ। उल्लू की पट्टी, दिमाग खराब हो गया क्या? 15 दिन पहले ही हम दोनों के लिए एक एक दो साबुन लाया था, इतने में वो घिस गया। नहाएंगे तो साबुन घिसेगा ना। मैं कैसे नहाता हूँ पता है? पूरी बाल्टी पानी भर के उसके अंदर साबुन इस तरह डालता हूँ और फट से निकाल लेता हूँ और उस पानी से मैं नहा लेता हूँ। मेरे साबुन में एक खरोंच तक नहीं आई है और तेरा साबुन घिस गया। भानु, अगर साबुन को तुम इस तरह घिसती रहोगे तो तुम्हारी ये चमड़ी भी घिस जाएगी। इसलिए तो एक महान लेखक ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है पता है? आज का भिखारी एक न एक दिन अमीर बनेगा। उसी ने एक और बात भी कही है पता है, आज का कंजूस सदा के लिए भिखारी होता है। वो हमारे लिए नहीं, विदेशियों के लिए। केदारनाथ जी आइए, लगा जल्दी से बटन लगा। केदारनाथ आइए आइए बैठिए। कोई बात नहीं। क्या बात है केदारनाथ जी, हाथ में थैला लेके कहाँ निकल पड़े? ऐसे ही खरीदी के लिए बस बाजार जा रहा था। ओहो, तो आप खुद बाजार जाते हैं, यानी आज कोई घर में खास चीज बनने वाली है? अरे सुबह सुबह ये क्या बोल रहे हो, घर में हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए काढ़ा बनाने का सामान लेने जा रहा था। लेकिन आपका बेटा तो खुद एक डॉक्टर है। हमें देखने के टाइम में वो दूसरे चार को देख सकता है तो सोचा बेकार में क्यों उसकी कमाई खराब करूं। हाँ तो बताओ क्या समाचार लेके आए हो? बहुत बढ़िया समाचार है, मैं बिना समाचार के यहाँ थोड़ा ही आऊंगा आपके बेटे के लिए। एक बहुत अच्छे घर में सुंदर सी लड़की देखकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। लड़की कैसी है? लड़की बहुत खूबसूरत है, इकलौती लड़की है, वो भी करोड़पति है। सुनिए वो लड़की कैसी है, वो लड़की खानदानी और संस्कारी है ना? ये तुम क्या बोल रही हो, संस्कार को घर में रख के क्या अचार डालेगी? छी, ये कितना मिलेगा पूछ। और तुम भी क्या एकदम से यहाँ चले आए? अगर तुम एक चिट्ठी डाल देते तो हम तुम्हारी खातिरदारी में क्या क्या बना के नहीं रखते। तो इसमें क्या हुआ, खाने पीने के लिए अभी मंगा लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो, खाना के रास्ते में है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम भी बस, देखा नहीं उसके हाथ में टिफिन है? अरे इसमें 5 सुपारी है। अरे टिफिन खा के तुमने उसमें 5 सुपारी रखी है, मैं नहीं जानता क्या? वैसे अब तुम कैसे जाओगे? ऑटो मिला तो ऑटो, टैक्सी मिली तो टैक्सी। ऑटो हो तो 3 लोग, टैक्सी हो तो 4 लोग। एक काम करता हूँ, मैं भी इनके साथ चलता हूँ। क्या
जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी निकलूंगा। अच्छा। लड़की वाले हमारे घर कब आएंगे? मैं जाते ही चिट्ठी डाल दूंगा। साबुन? साबुन? अरे साबुन नहीं, सूप के बारे में बोल रही है। चलो 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 चलो, अब से तुम अपनी जबान पर जरा काबू रखो, समझ गए? मुझसे कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम चलो ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्यों राजा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ सर। ओके, वेरी गुड। सर, परीक्षा में सेकंड रैंक आएगी तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलेगी, फर्स्ट रैंक हो तो ही मिलेगी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही पूछा। ओके ठीक है, चलता हूँ। 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली 10 मिनट्स, ओके? सर, 8:10 बजे हमारी मिल में बोर्ड की मीटिंग है। मुझे उससे भी बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या बाबूजी, इतनी बड़ी समस्या का कोई तो हल निकालना होगा। एमडी के नाते आप नहीं करेंगे तो फिर? मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो सबसे जरूरी काम है, पता है? मीटिंग बाद में रखेंगे, बोल दो। सर, हमारे एस्टेट के मजदूर स्ट्राइक करने वाले हैं। करने दो, स्ट्राइक? हाँ बाबूजी, प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। आज आप एस्टेट जाएं तो अच्छा होगा। नो, एस्टेट भले ही कल चला जाऊं, लेकिन इस काम के लिए कल नहीं जा सकता। ये जैसा कह रहे हैं उससे लगता है कल तक बात बिगड़ जाएगी। ये काम भी वैसा ही है, कल तक ये भी बिगड़ जाएगा। वहाँ न जाकर ऐसा कौन सा खास काम है? तुम नहीं छोड़ोगी? राजा के स्कूल में सब मिलकर पिकनिक जा रहे हैं ना? हाँ। साथ में मैं भी जा रहा हूँ। राजा, रुक, मैं आया। क्यों माँ जी, क्या यही इनके लिए बहुत जरूरी काम है? इनके लिए इस दुनिया में सबसे जरूरी है इनका पोता है। पता नहीं कैसा डॉक्टर है, लड़कियों को देखे इस तरह नहीं बता रहा है। अस्पताल को क्या समझ रखा है? सुनो, आपसे जनानी रोगियों को अंदर मत भेजना, मर्द रोगियों को अंदर भेजना। क्यों डॉक्टर? ये लड़कियां बहुत परेशान करती हैं। क्यों रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? लड़कियों का इलाज करने में क्या जाता है? मैंने तुझे MBBS पढ़ाने के लिए, तेरे एडमिशन के लिए मैंने जाजा के लोगों के पैर पकड़े हैं और मैंने तुझे MBBS पास करवाया और उसके बाद तुझे मैंने अमेरिका फ्लाइट से भेजा और वापस बुलवाया। क्या इसलिए आज तू औरतों का इलाज नहीं करना चाहता है? पिताजी, मर्द लोग जो पैसे देते हैं वो काफी है ना। तो बताइए, आप ये मेरे कपड़े पहनकर क्यों आए हैं? अब से यही पहनूंगा। हैं? जब तू अपने क्लिनिक से लड़कियों को भगा रहा था तब मैं अंडरवियर पहन के खड़ा था और इसलिए गुस्से में मैं तेरे कपड़े पहन के आ गया। क्यों, आपके जो कपड़े, तो उनका क्या हुआ? वो तेरी माँ धो रही है। बेचारी माँ, साबुन भी खरीद के नहीं दिया होगा तो अच्छा हुआ मैं आपके यहाँ लड़की बन के पैदा नहीं हुआ। अभी ये क्या कह के जा रहा है? अगर वो लड़की बन के पैदा होते तो आपको साड़ी पहननी पड़ती। बाबूजी, ये एल्बम देखने के लिए कितनी बार मना किया है, इसे अलमारी में रख देती हूँ। बेटे गणेश, तू तो बहादुर बनकर शहीद हो गया लेकिन हम दुखी हो गए। तेरी पत्नी मिलिट्री वाले की पत्नी बनके हुकुम चलाती है, अपने आंसू पोंछकर मुझे सांत्वना देती है और तेरा बेटा बहुत बड़े त्यागी का बेटा है ये साबित करता रहता है। लेकिन ये बूढ़ा, शांति, राजा आ गया क्या? नहीं बाबूजी, अभी नहीं आया। Ha ha ha!
चांदी बॉल दे। क्यों भैया, बॉल देखकर नहीं मार सकते? देखो मेरे सारे खिलौने टूट गए। हम लोग देखे तो खेल रहे हैं। ठीक है लाओ हमारी बॉल दो। अब बॉल आए तो अपने कुत्ते से बोलना कैच पकड़े। चल रे चल। तेरे दादा ने इतनी जोर से बॉल मारी उस अंधी के खिलौने टूट गए। क्या? हाँ चलो। दीदी आपके सारे खिलौने टूट गए क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी। क्या कहा? मुझे माफ कर दो। कहा? मुझे कैसे बुलाया? दीदी कह के बुलाया। भैया मैं अनाथ हूँ, मेरा नाम मीना है, लेकिन सब लोग मुझे अंधी कहकर ही बुलाते हैं। किसी ने आज पहली बार मुझे दीदी कह के बुलाया। दीदी मेरे से जो खिलौने टूटे हैं उनके पैसे दे दूंगी। तुमने जो प्यार दिखाया वही मेरे लिए काफी है। अब मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं फिर से नए खिलौने बना लूंगी। भैया मेरी बहुत दिनों से कन्हैया की मूर्ति बनाने की इच्छा है। कहते हैं वो बहुत सुंदर है। आज तेरा मुंह छूने के बाद वो मूर्ति बनाने की इच्छा और भी जाग गई है। मेरे लिए तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकोगे? थोड़ी देर क्या, जितनी देर बैठने को बोलोगी मैं बैठूंगा। ऐसे रहना। सुनिए चाबी तो दीजिए ना। किस लिए? आज हमारे यहाँ लड़की वाले लड़का देखने आ रहे हैं बोलकर शादी के ब्रोकर ने चिट्ठी डाली है ना। उसके लिए? उसके लिए क्या मतलब, खाने पीने का इंतजाम नहीं करना है, चाबी दीजिए ना। चाबी मांगूंगी तो दूंगा दो हाथ खींच के। हमने कब किसकी खातिरदारी की? हम कमाते हैं, हमें ही खाना चाहिए, हमें ही आराम से रहना चाहिए। आने जाने वाले को खिलाने के लिए क्या हमारा घर कोई लंगर है? आइए आइए। अचानक कैसे? क्या अचानक, आज आने के लिए लेटर डाला था, नहीं मिला? लेटर डाला? हाँ हाँ वही मैंने कहा था ना, लेटर जो नहीं आया वही ना। देखो नगर पालिका ने जब से घरों के नंबर बदले हैं चिट्ठियाँ इधर उधर चली जाती हैं। अगर तुम्हारी चिट्ठी हमें मिल जाती तो आज तुम्हारी खातिरदारी का जवाब नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। आइए आइए। क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे घर की इज्जत की बात है। अरे वो कंपाउंडर जी, आपने बुलाया? सीधा होटल जाकर छोले भटूरे 10, दही बड़े भी 10, आलू के पराठे भी 10 और गोभी के पराठे भी 10, रसमलाई भी 10 और बात ये सुन। सबका सब लेकर मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। उसमें झींगा लाला डालने को कहना। जी अच्छा। अब क्या करें भैया, अगर इनकी तबीयत ठीक होती तो ये सब घर में ही बना लेते। जब भी इनकी तबीयत खराब होती है बाहर से मंगवा लेते हैं। इतनी सी झोपड़ी में इतना सा बच्चा ऐसे चाय बनाया करता था, उसके पास से मैं रोजाना चाय मंगाया करता था। आज वो 5-स्टार होटल का मालिक है। वो सब मैं नहीं जानता क्या? खैर छोड़ो, काम की बात करते हैं। मंजू जी इनसे मिलिए, केदारनाथ जी हैं और ये हैं। जानता हूँ, समधन जी हैं। लड़की कहाँ है? ओहो यही तो लड़की है, ये करोड़पति है। करोड़पति है? अब बैठिए बैठिए। अब मैं भी बैठ जाऊँ? हाँ हाँ। आपका पैर पे पैर रख के बैठना जायज है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आप आराम से बोलिए। बोलना। हाँ आप कुछ बोलिए ना। मेरी बात सुनिए, मैंने कई लड़कों को देख लिया लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो फिर मेरे लड़के को देखे बिना आप कैसे मान जाएंगी? आपके लड़के के बारे में इन्होंने मुझे बहुत कुछ बता रखा है, सोचा कि देख लूं। अगर आपको मैं पसंद हूं तो लड़के को बुलाइए। क्यों जी, ये लड़की तो बहुत ही खुल के बात कर रही है। एक करोड़पति जो है ऐसा बोलना इनका अधिकार है। तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं लड़के को सजा धजा के लेके आता हूँ। जल्दी ले आइए। भानु इधर आओ। घर में जो चावल है वो 10 दिन ही आएंगे और घर में जो सब्जी पड़ी है वो भी 2 दिन ही आएंगे। फ्रिज में से बाकी का भी निकाल ले। क्यों मैं नहीं जानती क्या? ये क्या कह रही है, मैं नहीं जानती? कुछ नहीं, मैंने कहा कि लड़के को कौन सा ड्रेस पहनाऊं तो ये बोलने लगी मैं नहीं जानती। मैं जाके लड़के को लेके आता हूँ। होटल से जैसे ही नाश्ता आ जाए सबके सामने खोल खोल के रख देना। इसने जगह घेर रखी है, मैं उठा के ले जाता हूँ। वैसे आपके बेटे की हाइट क्या है? वो मेरे से 1 इंच लंबा है और इनसे 1 इंच छोटा है। पिताजी इंजेक्शन आधे में। अरे बाकी का आधा इंजेक्शन बाद में लगा देना। ये है मेरा लड़का, देख लीजिए, नाम है चंदर। इसने MBBS की पढ़ाई की है, बढ़िया गाता है, बढ़िया नाचता है, लेकिन लड़कियों को देखते इसे थोड़ी शर्म आती है। बेटी जरा देख तो ले, करोड़पति है। अरे मुझे क्या देख रहा है, मुझे तो बचपन से देखते ही आ रहा है। वैसे ये देखता नहीं है, अगर देख ले तो एक ही झटके में वश में कर लेता है। भानु तू आके इसे समझाना। चंदर
लड़की पसंद है या नहीं बताओगे तभी शादी करेंगे ना। मेरे लिए किसी लड़की को देखना जरूरी नहीं है। तो तू शादी किस लड़की से करेगा? जिस लड़की पर मेरा मन आएगा उसी से मैं शादी करूंगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ये कब लड़की देखेगा, कब इसका मन आएगा, कब इसकी शादी होगी? अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं, मेरे घर की बहू करोड़पति लड़की ही बनेगी। ये बात उसे समझा देना, ये रिश्ता बुरा नहीं है। क्यों जी? अंजलि, ये बीना ले जाकर जहाँ पुराना सामान रखा है ना वहाँ रख दो। अंजलि, वो वहीं रहने दे, तू जा। इसे यहाँ से क्यों हटा रही हो? अब इस वीना का भला यहाँ क्या काम रहेगा? नहीं बेटी, ये वीना यहीं रहेगी और तुम इसे बजा के गाओगी भी। मेरे बेटे ने जब कहा कि वो तुमसे शादी करने वाला है तो मैंने उससे पूछा था कि मेरी बहू दहेज में क्या लाएगी। दो बड़े बड़े सामान लेकर आएगी ऐसा उसने कहा, और वो दोनों मैं तुम्हें देख कर ही समझ पाया था। तुम्हारी सुंदरता और आवाज के बारे में उसने कहा था। बात सुनो शांति, पति की फोटो के सामने जो तुम पूजा करती हो उससे अच्छा है मुस्कुराते चेहरे के साथ। तुम्हारा गाना उसकी आत्मा को शांति देगा। तुम गाओ बेटी। बाबूजी, मैं कभी गाया करती थी लेकिन अब मैं नहीं गा पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। राजा, ए राजा। क्या है दद्दू? ये क्या अभी से सो गया? रात के 10 बज गए हैं, सुबह मुझे स्कूल भी जाना है दादू। आपको तो कोई स्कूल नहीं है जॉली। तो मेरा पोता है ना? हाँ हूँ। जो मैं कहूँ तो वो करेगा? क्या करना होगा? ओहो, तो आप माँ से गाना सुनना चाहते हैं ना? ओके, आई एम रेडी। अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। पकड़ता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा। पकड़ो पकड़ो। मैं दूध लेके तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू दादा के साथ यहाँ मस्ती कर रहा है। ले दूध पी। नहीं पीऊंगा, आप लोरी सुनाएंगी तो ही पीऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लगा और जल्दबाजी में मैंने इसे दो थप्पड़ लगा दिए। तभी दूसरे बच्चे ने मुझे बताया कि गलती उसने की है, उसे बचाने के लिए ही राजा ने इस तरह से झूठ बोला। तो इसमें क्या हुआ? उसने गलती की, उसने मान लिया, इसीलिए तो आपने मारा। देखा आपने बेटे को, आजकल बहुत बड़ा बन गया है। आने दो, आने दो। आ गया, इधर आ। क्या हुआ दद्दू, आपने मुझे बुलाया? इधर आ, कुछ नहीं जानने का नाटक करता है ये क्या बाबूजी? आप भी बस। तुम चुप रहो, दूध के दांत टूटे नहीं है और ऐसे वैसे काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, रामू नाम के लड़के को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इसके लिए हमेशा फर्स्ट रैंक लाने वाले इसने उसके लिए रैंक छोड़कर इस साल सेकंड रैंक पाई है सर। ये सच कह रही है? I'm sorry दद्दू, अब से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। क्या कहा? अब से कोई गलती नहीं करेगा? अब से तो हमेशा ऐसी गलती करते ही रहना। अच्छा, आखिर तो पोता किसका है? मिस, अभी तक जो कुछ भी आपने कहा पानी में लिखने के समान है, अब आप जा सकती हैं। जैसे दादा वैसे ही पोता। अच्छा तो मैं चलती हूँ सर। सर, आप ही से कह रही हूँ। अभी वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप जा सकती हैं। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग। आइए डॉक्टर, बैठिए ना। आपकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर भेजिए, ऐसा आपने पिताजी से कहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है ये तो आप ही देख के बताएंगे ना। ठीक है, क्या बीमारी ये तो बताओ। ऐसे पूछने से क्या पता चलेगा, मेरी आंखों में देखिए ना। आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, बताओ। इधर देखिए, मेरा दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, मेरा हाल तो मैं ही जानती हूँ। जानती है तो अपना इलाज खुद ही कर लेना चाहिए था ना, मुझे बेकार में क्यों बुलाया? क्यों डॉक्टर, एक गांठ निकल आई, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? अचानक वो गांठ कहाँ निकल आई? यहाँ। ठीक है ठीक है, वो ऐसे ही गर्मी की वजह से निकल आई होगी। बिना देखे कैसे बता रहे हैं? 5 साल मैंने इसके लिए पढ़ाई की है, सपेरा दूर से बता देता है कि वो कौन सी जाति का सांप है। क्या हुआ?
छिपकली 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 से बहुत प्यार करती हो क्या? पकड़ के दूं? नहीं नहीं, मुझे उससे बहुत एलर्जी है। अच्छा तो मैं एक बात कहूँ, देखो तुम मुझे मेरी फीस भी मत देना लेकिन मैं तुम्हें इलाज बता के जाता हूँ। तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, चर्बी चढ़ी है, उसके लिए खाने में घी का जरा कम इस्तेमाल करना। तुम भूल जाओगी, घर में कोई बड़ा है तो मैं उन्हें बता के जाता हूँ। नहीं नहीं रहने दो। तुमसे नहीं बताऊँ? ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए राजा, आजा। फिर से कहीं गिर के चोट वोट लगा ली क्या? अगर फोन कर दिया होता तो मैं आ जाता ना। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ, दीदी को ही। दीदी? भैया राजा, तुम तो तुम्हारे माँ बाप के इकलौते बेटे हो ना, फिर ये दीदी कहाँ से आई? नहीं अंकल, ये दीदी पड़ोस की है। तो ये तुम्हारे पड़ोस की दीदी है, तब तो इनकी आंखों में जरूर कोई खराबी होगी। ये क्या अंकल, एकदम सही बताया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी बहुत सी दीदियां आती हैं। इधर आओ, ये मुझ पे लाइन मारने के लिए आई है, मैं अपना फोटो दे देता हूँ, उसे देखकर दिन भर लाइन मारते रहना, मुझे छोड़ दो। उफ़ अंकल, इन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। बैठिए। बैठ जाइए दीदी। अंकल मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, दीदी की आंखें देखकर भेज देना। मैं चलता हूँ दीदी। ठीक है भैया। टाटा अंकल। हाँ ठीक है। I'm sorry. आपका नाम क्या है? मीना। जन्म से ही आंखें ऐसी हैं क्या? जब से मैं पैदा हुई तभी से मेरी आंखें ऐसी हैं। अरे वाह, अरे वाह, मेरे बेटे ने देख ली, लगता है मन आ गया। क्यों बेटे, लड़की करोड़पति है क्या? पिताजी चुप रहिए ना, इन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। अरे बाप रे, इस अंधी लड़की के सिवा तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? जी पिताजी, इन्हें दिखाई नहीं देता, इनकी रोशनी लौट आएगी या नहीं बस यही देख रहा हूँ। कोई और बात नहीं है? नहीं, इलाज ही कर रहा है ना। जी हाँ। अमीर हो या गरीब, फीस लेना मत भूलना। बेटा मेरा किराया तो दे देना। इसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ पीने का पानी आता नहीं है, बाथरूम का पानी जाता नहीं है। वो अपनी माँ से पूछना, मुझे किराया दो। ये क्या, आप अपने बेटे से मालिक बनकर किराया वसूल कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? उल्लू के पट्टे, एक हाथ दूंगा ना बत्तीसी बाहर आ जाएगी। 100 रुपये के नोट को कौन बाप है कौन बेटा है पता है क्या? मैं एक छोटी सी जगह में ऊपर रहता हूँ, इसने इतनी बड़ी जगह में डिस्पेंसरी रखी है, ये किसी और को दूं तो मुझे इसका 3 गुना ज्यादा किराया मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, बाहर जाएंगे तो किराया ही मिलेगा। यहाँ भाड़े में हाथ मारेंगे, बिजली में हाथ मारेंगे, पानी में हाथ मारेंगे, बीच बीच में रिश्तेदारों को बुलाकर उन पर भी हाथ मारेंगे, ये कहाँ जाके बताएं। ठीक है, बाप तो गुस्सा करेगा ही, बेटा उसका समाधान करेगा। अब गुस्सा देखना चाहते हो या समाधान करना चाहते हो? मुझे किराया दोगे मैं चला जाऊंगा। आज ये मुझे किराया नहीं देगा, लेकिन आज तेरा दोपहर का खाना कट। ओ, ये क्या कह रहे हैं? मालिक मालिक। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी आंखों में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग रही है। मेरी जान पहचान का एक आंखों का विशेषज्ञ है, उसके पास ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ कब चलना होगा ये राजा से मैं कहलवा दूंगा। जी अच्छा, तो मैं चलती हूँ। संभल के संभल के।
बदलेगा नसीब तुम्हारा भी, मिलेगा खुशियों का जहां, रहना खुशियों से तुम सदा, रहना खुशियों से तुम सदा। ऑफिस से आया है। अबे नहीं तो क्या पुलिस स्टेशन से आएगा? किस गांव से किसने लिखा है जरा देख के बताना। कोई रामकली जिसने चिट्ठी लिखी है? एक कोई रामकली? वो मेरी बीवी है। आपकी बीवी? उन्होंने चिट्ठी लिखी है? अभी पढ़ता हूँ। मेरी बीवी ने बहुत सारी बातें लिखी होंगी, वो सब तू पढ़ेगा। ये पकड़, अब पढ़ के सुना। प्यारे स्नेही ममता भरे पति को पत्नी की तरफ से नमस्कार। प्यार स्नेह ममता ये सब एक ही तो है ना? ऐसा किसने कहा? जब पहली बार पति पत्नी का मिलन होता है वो होता है प्यार, और जो दोनों मिलके काम करते हैं वो होता है स्नेह, और बच्चा पैदा होने पर होती है ममता। ओहो आगे पल कहाँ छोड़ा? अरे तूने इसे छोड़ा ना, मैं क्या जानू कहाँ छोड़ा। तूने जहाँ छोड़ा वही से पकड़ के आगे पढ़। तुम मुझे छोड़कर वापस गांव चले गए। तुम जब मेरे पास थे तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करती थी, लेकिन मैं जो तुम्हारी सेवा किया करती थी वो सब तुम अपने साथ ले गए। अब तो मेरी दुआ बस यही है कि आप जहाँ भी रहे अच्छे रहें। आपका बेटा हर रोज स्कूल जाता है, अच्छा पढ़ रहा है। आहा, कम से कम मेरे बेटे को किसी दूसरे के कान बंद नहीं करने पड़ेंगे। बहुत खुशी हुई। मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ, आप कब आने वाले हैं? पड़ोस की एक बच्ची से बोलकर मैं ये चिट्ठी लिखवा रही हूँ। दूसरों से बोलकर ज्यादा नहीं लिखवा सकती, इसलिए यहीं समाप्त करती हूँ। आपकी प्रिय पत्नी रामकली। ओए, ये रामकली नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है। यहाँ? हाँ। ओए, कौन है वहाँ? सुनो सुनो, तुमने देने के लिए कहा था दो ना। ए मनोहर। हाँ। ये दे, कुछ मांग रहे से दे दे। क्यों, क्या चाहिए? इन्होंने देने के लिए कहा था, मैंने पढ़ा, तुमने सुना था ना? किसी दूसरे की बीवी की चिट्ठी ना तो मैं देखता हूँ और ना ही सुनता हूँ। अरे राम दुलारी की चिट्ठी हो या रामकली की, मुझे क्या? अरे भैया 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 दो ना। अरे मेरा दिमाग मत चाट यार, ये ले। ये क्या दे रहे हो, किस लिए? अबे गुलाब का फूल है, रख ले। अबे पागल कहीं के, तू ये फूल अपने क्यों लगा रहा है? तेरे अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ पता है? क्यों? अबे ये फूल जाके अपनी बीबी के सर पे लगा जा। ठीक है, उल्लू का उल्लू ही रहेगा। कोई है यहाँ? कोई है क्या? Thank you.
कौन है? कौन है? और कोई नहीं है, मैं हूँ मीना। मैं तुमसे मिलने के लिए जा रहा था, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर के बारे में मैंने कहा था ना, वो अभी विदेश गए हुए हैं, कुछ ही दिनों में वो लौट आएंगे। आप रहने दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो। उस डॉक्टर के आने तक मैं कुछ पैसे जमा कर लूंगी। नहीं नहीं, वैसे मैं अपने खर्चे पर तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी मेरी कमाई की एक एक पाई का हिसाब मांगते हैं, बहुत कंजूस हैं वो। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाना चाहते हैं? आपने मेरी जो मदद की वही काफी है। संभल के आराम से। मुझे कभी ठोकर नहीं लगती है, पता नहीं क्यों आज आपके साथ हूँ इसलिए ऐसा हो गया। मीना, भगवान करुणा की मूर्ति होता है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन तुम्हारी आंखें देखने के बाद मुझे लगता है कि उसका बहुत ही कठोर मन है। ओहो, ऐसा शुभ मत बोली। आपने मुझे आंखें दे दी होती तो आपको मुझ पर इस तरह से तरस नहीं आता। आपकी सहायता मुझ जैसी गरीब को मिलने के लिए ही भगवान ने मुझे शायद अंधा पैदा किया है। ठीक ठाक है बहन, चलो अच्छी बात है, ये लीजिए। ये क्या मीना, रात के खाने के लिए पैसे नहीं रखोगी क्या? कोई बात नहीं बहन, आज से मैंने रात का खाना बंद कर दिया है, मैं पैसे जमा करना चाहती हूँ। ऑपरेशन करने से मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ऐसा डॉक्टर चंदर ने कहा है। डॉक्टर चंदर ने? तुम उन्हें जानती हो? हाँ बहन जानती हूँ, पता नहीं क्यों उन्हें मुझ पर बहुत तरस आता है, मेरी आंखें ठीक हो जाए इसलिए वो अपनी जीजा से कोशिश कर रहे हैं बहन। अगर वो सच में तुम पे तरस खाते हैं तो ट्रीटमेंट का सारा खर्चा वो खुद उठाते हैं ना? ऐसा करने की उनकी बहुत इच्छा है, लेकिन उनके पिताजी नहीं मानेंगे ऐसा कहा, लेकिन मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए, उनका प्यार ही काफी है। पैसे मैं जमा कर लूंगी। तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, जैसा मैं कहूंगी वैसा अगर उस डॉक्टर ने किया तो तुम्हारे इलाज का खर्चा मेरे पिताजी दे देंगे। क्यों, मुझे क्या करना होगा? वैसे कोई खास काम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर मुझे देखें। बस इतना ही, कल मेरे साथ चलिए, मेरे कहने से वो आपको जरूर देखेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा हुआ है कि जिस लड़की का मैं इलाज करूँगा उसी से मैं शादी करूँगा। मैंने वैसी लड़की देख ली है और उसी लड़की से शादी करने का मैंने फैसला भी कर लिया है। ये बात है? हाँ, उस लड़की को इस समय तुम नहीं देख पाओगी, लेकिन तुम्हें जो लेकर आई है वो उस लड़की को देख सकती है। डॉक्टर, आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे तो इससे मुझे भी खुशी होगी, मैं बीच में नहीं आऊंगी। कंग्रेचुलेशन, तुमने जो मदद की उसके लिए बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। डॉक्टर सर, आपने जिसकी बात कही वो लड़की कौन, मैं जान सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं जान सकती, अपनी आंखों में रोशनी पाकर जब तुम शीशे में अपना चेहरा देखोगी उसी दिन तुम उस लड़की को देख पाओगी। हाँ मीना, यही मेरा फैसला है। दीदी, सारे खिलौने टूट गए, तुम मेरे घर चलो, वहाँ दूसरी मूर्ति बना लेना। नहीं, वहाँ कुछ कहेंगे तो? कुछ नहीं कहेंगे, उस घर में राजा की ही चलती है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं चलती हूँ। अंकल, कल मेरे दोस्त के आपने इंजेक्शन लगाया था ना? हाँ, क्यों? ये उसके पैसे हैं। राजा, वैसे तुम्हारी तरह मेरे भी लोगों का मुफ्त इलाज करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पिताजी हिसाब मांगते हैं। टाटा। किसका फोटो है बाबूजी? राजा का है, नया निकाला है क्या? नहीं बेटी, पुराना ही है, फोटोग्राफर से बोलकर नया प्रिंट निकलवाया है। उसकी क्या जरूरत है? हम दोनों जिस फोटो को देखकर रोते रहते हैं उस फोटो को एल्बम से निकाल कर सोच रहा हूँ सब जगह इसके फोटो लगा दूं। आजकल राजा के बिना आप एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं, उसके स्कूल जाने पर आप छटपटाने लगते हैं। इसे हमेशा देखते रहने के लिए ही इस फोटो को एक बहुत बड़ा फोटो बनाने के लिए भी कहा है। फोटो किस लिए दद्दू? मेरी जैसी ही एक मूर्ति बनाने वाली को मैं अपने साथ लाया हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, ये है मीना दीदी, बहुत सुंदर मूर्ति बनाती है। ये मूर्ति बनाती है? हाँ, इतनी छोटी बच्ची,
ठीक है ये देखो बेटी, इन फोटो में ये फोटो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, ऐसी ही मूर्ति बनाने के लिए कितना खर्च होगा बताओ। टट्टू, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता है? बेचारी आंखों से अंधी है। क्यों रे, मजाक कर रहा है? बिना हाथ का चित्र बनाने की तरह इसे भी मूर्ति बनाने के लिए लेकर आया है। ओहो दद्दू, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। हाथों से चेहरा छूकर ही मीना दीदी मूर्ति बना देती हैं। क्यों मीना, राजा सच बोल रहे क्या? मुझे एक मौका दे के देखिए। चाहे कितना ही खर्च क्यों ना हो, मूर्ति खूबसूरत होनी चाहिए। उसके लिए पैसे कितने चाहिए? मैं पैसों के लिए बनाने नहीं आई हूँ, अपनी आत्म तृप्ति के लिए। दुनिया में मुझ पर प्यार जताकर बात करने वाला पहला इंसान ये राजा ही है। इसी की मूर्ति बनाने के लिए मैं पैसे क्यों लूंगी? तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता सब कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है माँ जी, मैं अनाथ हूँ। ऐसा नहीं बोलती बेटी, अब से हम तुम्हारे लिए हैं। चलो। हे राजा, तूने मूर्ति बनवाने का क्यों सोचा? तेरी रफ्तार देखकर लगता है तो आगे चल के बहुत बड़ा मंत्री बनेगा। ओहो, ये सब मुझे नहीं बनना है दादू। पूजा के बाद ही खाना। लेकिन मैंने तो पूजा कर ली है। दिवाली की मिठाइयाँ भगवान को भोग चढ़ाने के बाद ही खाते हैं। मैं खा नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ बड़ा आया देखने वाला, झूठा नहीं करते। ला इधर ला। दद्दू, ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं। क्या? मेरे को मना करके आप झूठा कर रहे हैं। मैं कहाँ झूठा कर रहा हूँ, ये देखो। अच्छा है, दादा और पोते दोनों। खाना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको शुगर कम्प्लेंट है, मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अरे भैया डॉक्टर चंदर, मैं तुझे हमेशा जो फीस देता हूँ ना, इस बार थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। बस दो दिन के लिए मुझे मीठा खाने से मत रोकना, खूब पैसे दूंगा। हाँ तब तो खा सकते हैं, जितना चाहे खा सकते हैं। माँ, हमारे घर में ही रिश्वत चल रही है। अरे चिल्ला क्यों रहा है, घी कहाँ गिरेगा, खिचड़ी में ना। आओ डॉक्टर, तुम चाहो तो अपनी फीस बढ़ा लो, लेकिन दिवाली खत्म होने तक इन्हें मिठाई खाने से रोकना होगा। हाँ मिठाई मत खाना, नहीं तो शुगर बहुत बढ़ जाएगी। मैं जितना देने वाला हूँ उससे वो ज्यादा देंगी। क्या मतलब? मैंने थोड़े पैसे बढ़ाए तो कहा कि मीठा खा सकता हूँ, अब तुम्हारे बढ़ाने पर ये खाने से मना कर रहा है। आखिर बेटा किसका है, हमें चूना लगा रहा है। राजा। परमेश है लगता है, जाके मैं देखता हूँ। क्या हुआ परमेश जी, ये क्या फूलों का धंधा छोड़ के पटाखे बेचना शुरू कर दिए? अरे नहीं नहीं, मैं पटाखे बेचने नहीं आया, ऐसे ही देने आया हूँ। ऐसे ही देना था तो डिस्पेंसरी में आना चाहिए था ना, यहाँ मेरे पीछे क्यों चले आए? ये आप क्या बोल रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो राजा के लिए है। थैंक यू। और सुनो, आज रात इस घर में चारों तरफ पटाखों की आवाज आनी क्या, चाहिए। मुझे दोगे तो मैं नहीं फोड़ूंगा क्या? फोड़ने नहीं देंगे ना। कौन? आपके पिताजी, अगर उन्होंने ये पटाखे देख लिए तो बेच डालेंगे। अच्छा परमेश, दिवाली पे गांव नहीं गए? अभी कैसे जा सकता हूँ, सीजन का टाइम है, चार पैसे भी तो जमा करने हैं ना। एक बार जो मैं धंधे पे बैठ जाता हूँ तो सबको भूल जाता हूँ, और वैसे भी मैं अपने बेटे को राजा के रूप में देख लेता हूँ। राजा, ये पटाखे हैं बहुत जोरों से फूटते हैं, तुम बच्चे हो इसलिए मैं फोड़ देता हूँ। आप ये क्यों फोड़ेंगे, पटाखों में आग लगाएंगे अपने आप फूट जाएंगे। राजा, खाली रॉकेट छोड़ते समय याद से इस तरफ छोड़ना, उत्तर में मत छोड़ना। क्यों अंकल? मेरी दुकान उस तरफ ही है। राजा पकड़ो। अरे छोटी उम्र में ही इसे पैसा बर्बाद करना सिखा रहा है। दूर रहिए, नहीं तो जला दूंगा। अरे मैं इसे नहीं डरता हूँ। अरे बाप रे। मिस्टर चंदर, ऑपरेशन करके दूसरी आंखें लगाएंगे तो रोशनी मिल सकती है। तो फिर क्यों ना हम ऑपरेशन की तैयारी करें डॉक्टर? आंखें मिलनी चाहिए ना, आई बैंक में स्टॉक नहीं है। अगर कोई आंखें दान कर रहा हो तो ऑपरेशन कर सकते हैं। आंखों की व्यवस्था होते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। देख के चलना चाहिए ना। मैं जानबूझ के गिरा दद्दू। जानबूझ के? हाँ दद्दू।
क्योंकि मीना दीदी जैसे चलती है वैसे चल के देखा, चल नहीं पाया और गिर गया। बेचारी मीना दीदी कितनी बार गिरी होंगी। अपने देखा बाबूजी, बच्चे अक्सर अच्छी अच्छी चीजें देखकर रोते हैं, लेकिन हमारा राजा दूसरों के दुख देखकर रोता है। आखिर पोता किसका है? आइए ना डॉक्टर, देखा आपने सब तैयार है। नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्ते। अब बैठ भी जाइए। मीना, डॉक्टर साहब आ गए हैं, अब अपना काम शुरू कर दो। मीना, अनजान चेहरों की ही खूबसूरत मूर्ति बनाती हो, अब तो चेहरा तुम्हारे सामने है, और क्या चाहिए। ये क्या रानी, डॉक्टर के चेहरे पर गीली मिट्टी पोतकर उसे निकालकर उसके बाद ही मूर्ति बनाएगी ना। अरे वो सब पुराने जमाने में करते थे। हमारी मीना अगर डॉक्टर के चेहरे को एक बार छू ले तो समझ लो मूर्ति बन गई। ये एक बार अगर मेरा चेहरा छू लेगी तो मूर्ति बना लेगी, यही ना। हाँ। मैंने जो कहा वो याद है ना? समझ गए। हम अगर यहाँ रहे तो काम नहीं होगा, वैसे भी ये मूर्ति एकांत में बननी चाहिए। हाँ बाबा जाते हैं, चल यार। साथ में जब आ रही थी तो अच्छा लग रहा था, अब देखा क्या बोल के जा रही है। मीना शुरू करो। सेब की तरह चेहरा, हिरनी सी आंखें, कमल की पंखुड़ियों सी पलकें, बिल्कुल अनार के दानों की तरह दांत हैं। ये क्या डॉक्टर सर, अपनी तारीफ आप खुद ही कर रहे हैं। ओहो, अभी तक मैं तारीफ कर रहा था तुम्हारे चेहरे की। तुमने अपना चेहरा कभी शिष्य में मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरी आंखों की रोशनी आप जो है ना डॉक्टर। माथा सही है ना? हाँ सही है। ओह, आपके चेहरे पे तो मिट्टी लग गई है। थोड़ी बहुत नहीं, मेरे चेहरे से मिट्टी निकाल के एक और मूर्ति बना सकते हैं। ठीक है, मूर्ति बनने का इंतजार कर रहा था। ओह, डॉक्टर आप हैं? मैं हूँ, कैसे जाना? क्योंकि आपके कदमों की आहट मेरे मन में समा गई है। गुड, अच्छी है, लेकिन अगर ये कलर दूसरा लगाया होता तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, कलर? मैं भला रंगों को क्या जानू, हाथ में जो भी रंग आया मैंने वही लगा दिया। लोग मुझ पर तरस खा के इन्हीं रंगों को ले लेते। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा, बस ये शर्ट अगर सफेद रंग की बना देती तो ज्यादा अच्छा लगता। सफेद? डॉक्टर वो कैसा होता है? सफेद? हाँ, दूध पता है? हाँ मैंने पिया है। उसी के जैसा होता है। पर दूध का रंग कैसा होता है? दूध का रंग सफेद? दूध बिल्कुल हंस की तरह होता है। हंस की तरह? हाँ। ये हंस कैसा होता है? हंस कैसा होता है? वो उड़ता है, मछली पकड़ता है, उसकी चोंच का आकार ऐसे होता है। कैसे? ओ, तो सफेद रंग ऐसा होता है, यानी जो चीज मुड़ी हो उसका रंग सफेद होता है ना? लो हो गया। मीना
सवाल का जवाब मिल जाए तो काफी होता है, लेकिन मेरा हर एक जवाब तुम्हारे लिए सवाल ही बनता है। तुम्हें अभी जानने के लिए बहुत कुछ है, कुछ और पूछो, अगर मैं समझने जैसा जवाब दे पाया तो ठीक है। सवाल का जवाब मिल जाए तो काफी होता है, लेकिन मेरा हर एक जवाब तुम्हारे लिए सवाल ही बनता है। तुम्हें अभी जानने के लिए बहुत कुछ है, कुछ और पूछो, अगर मैं समझने जैसा जवाब दे पाया तो ठीक है। पेपर पढ़ लेता हूँ। दिल्ली में गर्मी के कारण काफी लोग मारे गए, सुबह सुबह ये मौत की खबर। ये लीजिए कॉफी। ला दे। इसमें काला क्या है?
ओहो, लगता है मक्खी गिर गई। उल्लू कहें कि कॉफी में मक्खी नहीं गिरेगी तो और क्या गिरेगा? दीजिए ये मैं फेंककर दूसरी लेकर आती हूँ। इससे कितना नुकसान होगा पता है? एक रुपया का दूध, 50 पैसे की शक्कर और 25 पैसे की कॉफी, हिसाब लगा के देखो कितना बैठता है। ऐसे हिसाब लगाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लाइए। ऐसे देखा जाए तो दारू बनाते समय कॉकरोच, छिपकली, कीड़े मकोड़े सब गिरते हैं, लेकिन फिर भी पीने वाले आज भी जिंदा है, वो कैसे? वैसे ही निकाल के मैं भी पी लेता हूँ। अंकल और रानी आओ। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कॉफी पी रहे हैं क्या? अब क्या कॉफी, उसमें मक्खी गिर गई थी, तुम्हें पसंद नहीं आएगी, तुम बैठो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रानी, किसी जमाने में हम दोनों, अरे सच बताने से क्यों रोक रही हो? ये उस खिड़की में होती थी, मैं इस खिड़की में होता था, और ये मेरे एक ही इशारे में लुढ़क गई, तब की लुढ़की आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। तुम भी हंसो ना, खड़ी क्यों? अच्छा रानी, मेरे लड़के ने किसी को देखा क्या? हाँ, उसने देख लिया है। क्या उसने देख लिया? तब तो शादी के बारे में पूछ लेना चाहिए। वो भी पूछ लिया है। यानी वो भी पूछ लिया? इतना सब कुछ हो गया और मुझसे एक बात भी नहीं बताई? आपसे कुछ बताया था क्या? मुझे कुछ नहीं बताया, बताया होता तो मैं तुमसे बोलता ना। ये तो मेरे फायदे की बात हो गई है ना। ये आपको बताने से अच्छा है पूरे गांव को ये बात बताएं। हम हमारी महिला संगठन का एक सम्मेलन रखने वाले हैं, उस सम्मेलन में हम आपके बेटे की शादी की बात अनाउंस करने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है, किसी और के सम्मेलन में मेरे बेटे की मंगनी होने वाली है, ये हमारे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक और बात है अंकल। क्या, कौन सी बात है? उस सम्मेलन में एक लखपति की मूर्ति का उद्घाटन भी है, और वो उद्घाटन आप ही करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात कही, लखपति की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए इनसे भला अच्छा और कौन मिलेगा। हाँ, ऐसे बड़ाई कर अपने पति की। देखो, मुझे सम्मेलन में बुलाकर अगर तुम लोगों ने आलतू फालतू खर्च किया तो अच्छा नहीं होगा, हल्का फुल्का ही मुझे अच्छा लगता है। किसी इंसान को पिकअप के लिए भेज देना, मेरे ड्राइवर को भत्ता दे देना, मंच पे 4 मालाएं रखना, साथ में एक सोडा, सोडा देसी रखे या बिलाती रखे, खैर छोड़ो, दोनों में से एक एक लाके रख लेना, थोड़ा सा खर्चा ही होगा, कोई बात नहीं। वो सब हम तैयार रखेंगे। और वो मूर्ति है एक लखपति बाप के बेटे की, जो दहेज लिए बिना ही एक गरीब लड़की से शादी करने वाले हैं, और उस बेचारी लड़की की दोनों आंखें नहीं है। ओफो, दहेज की कोई मांग नहीं है, ऊपर से लड़की अंधी, लगता है कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, वो भला कैसे जी पाएगा? माइक पे ऐसे ही बोलेंगे क्या? माइक अलग है, जीवन अलग है। माइक हाथ में आते ही उसमें लाइन हो या न हो, मैं सगाई के लिए बधाई देना शुरू कर दूंगा। हाँ बेटी रानी, स्कूल के कुछ बच्चों को बुलाकर उनके हाथों में चॉकलेट देकर मेरे बोलते ही उन्हें जोर से तालियां बजाने के लिए बोल देना, तभी इनके अंदर जोश आएगा। ये हुई ना बात भानू। रुको, आप जहाँ जहाँ रुकेंगे ताली बजवाएंगे। सम्मेलन में मेरे बेटे की बात भूल मत जाना। उस सम्मेलन का वही तो मुख्य भाग है। चलो चलती हूँ। सुन बेटी, कॉफी पीकर जाओ ना। अरे उसमें तो मक्खी गिर गई। नहीं, जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ, जाओ। अब मंच पे मैं कैसे भाषण दूंगा, मैं बोल के देखता हूँ, ऐसे खड़ा होके अब बोल के देखता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महानुभावों और अतिथियों, सुनिए, मैं कंकर बीन के आती हूँ। वो किस लिए? चावल में से कंकर बीन के आती हूँ। ओह, ये बात है, मैं तो समझा कि सभा में कंकर मारने के लिए बीनने जा रही हूँ। तो भाइयों और बहनों, संगठन का पुरुष वर्ग, अच्छी संगठन का स्त्री वर्ग, जरूर पड़ेंगी चप्पलें। प्यारे भाइयों और बहनों, इस महिला संगठन के सम्मेलन में दहेज प्रथा के विषय में श्री केदारनाथ जी आए, इसके लिए हमारा संगठन बहुत आभारी है। अब उसके लिए यहाँ की जानी मानी हस्ती श्री प्रभुनाथ जी अपने विचार बांटेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस महिला संगठन के सम्मेलन में खास करके केदारनाथ जी को सम्मान देकर इस महिला संगठन में 4 चांद लगा दिए हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए श्री केदारनाथ जी के विचारों से बढ़कर कोई विचार देगा ही नहीं। ये जो भी कहेंगे ऊपरी मन से नहीं कहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेंगे। देखा देखा आपने, आज ये यहाँ सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आज ये जो कुछ बोलेंगे वो ये भूल न जाए, उसके लिए हम इनका भाषण रिकॉर्ड करने वाले हैं ताकि सम्मेलन का लक्ष्य पूरा हो। इसलिए अब मेरी गुजारिश है कि श्री केदारनाथ जी माइक पर आए। अगर ये माला ऐसी की ऐसी तुझे लौटा दूं तो आधा पैसा देगा क्या? तुम्हारी ये छोटी बुद्धि अभी तक गई नहीं। तो ठीक है, एक काम कर, तू अपने घर जा और रजाई ओढ़ के सो जाना, जा। वो तो ठीक है,
अभी आप जो कुछ भी बोलने वाले हैं सब रिकॉर्ड होने वाला है। जो भी बोलना हो सोच समझ के बोलिएगा। अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो जितना भी सम्मान इस वक्त आपको दिया है वो सब का सब छीन लेंगे। नाना जी क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी फूलों की एक दुकान है इसलिए गुलाब के फूलों की माला पहनाई। अगर गहनों की दुकान होती तो सोने की माला बना कर पहना था, ऐसा ही बोल रहे थे और कुछ नहीं। तो उसके लिए दो शब्द बोलने वाला था कि झट से माइक पकड़ लिया। अरे वो बात नहीं है। अरे वही बात है, वही बात है, समझ लो। हाँ तो अब यहाँ जितने भी है भाइयों और यहाँ जितनी भी है बहनों, महानुभावों और अतिथियों और ये माइक वालों, करंट लग जाएगा। नो छोड़ दिया। दरअसल क्या है कि मैं भारी भीड़ को सम्मोहित करता हूँ, अचानक मुझे यहाँ बुला लिया गया इसलिए बोलने में जरा जबान फिसल रही है। पर बात यह है कि लखपति बाप के बेटे की इस मूर्ति का उद्घाटन हम क्यों कर रहे हैं? वो बंद है इसलिए। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ, जाओ। दुकान पे आओगे ना? आऊंगा, पहले तुम जाओ। इसने एक माला क्या पहना दी है? बात यह है कि ये मूर्ति वाला लड़का एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है जिसने जाति की परवाह किए बिना और दहेज भी मांगे बिना एक गरीब लड़की से शादी करने की इच्छा की, और ऐसे महान पुरुष की मूर्ति का उद्घाटन मैं करने वाला हूँ। क्योंकि दहेज मैं भी मांगने वाला नहीं हूँ, मैं भी अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करने वाला हूँ और उनसे कोई दहेज नहीं मांगूंगा। ओहो ओहो, ये मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात है, क्या सौभाग्य की बात है। इस सुंदर मूर्ति को बनाया किसने है पता है? एक गरीब लड़की ने जो बेचारी आंखों से अंधी है, मीना ने। मीना जरा तुम खड़ी हो जाओ बेटी, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। अब बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तो उद्घाटन करें, क्या खींचना होगा? वो जो रस्सी दिख रही है ना? अरे वो मैं जानता हूँ, आपने पूछा बताया। अगर कोई रिबन होता या कैंची होती तो मैं काट देता। चलो इसे भी खींच देता हूँ। ठीक है, तालियां बजाओ। हाँ, ले रहे हो? अरे देख रहा ना, वो फोटो खींच रहा है, बीच में क्यों आ रहा है? इधर आ, फोटो बड़ा सा बढ़िया से बना के मुझे दे देना। पैसा इन लोगों से ले लेना। कुछ भी हो मूर्ति बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अच्छी कलाकारी है, वाकई मूर्ति सुंदर है। हाँ। मेरे बेटे की मूर्ति, बेटे की मूर्ति, वो भी बिना दहेज के, ऊपर से दूसरी जाति में, अंधी लड़की मेरी बहू। भाइयों और बहनों, आप सबसे निवेदन है कि उठ करना चाहिएगा, इन्होंने मूर्ति का उद्घाटन किया है इसलिए केदारनाथ जी थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। आज इन्होंने यहाँ आकर बहुत ही सद्भावना से साबित कर दिया कि ये बहुत बड़े दिल के हैं। इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया। टेप रिकॉर्डर है। आज ये सगाई की रस्म इनकी रजामंदी से हुई है, अब आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इस सगाई के आप सब गवाह बने, इसीलिए इस सभा का आयोजन किया गया था। केदारनाथ जी की जय हो। केदारनाथ जी की जय हो। एक और खास बात है, हमारे लखपति केदारनाथ जी बेकार का खर्च नहीं करते हैं, इसलिए अगर किसी को गलती से शादी का निमंत्रण नहीं मिल पाता है तो भी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग सपरिवार डॉक्टर चंदन की शादी में आकर पेट भर भोजन करके वर वधु को आशीर्वाद देकर जाएं ताकि ये अपना जीवन सकुशल व्यतीत करें। रानी एक बात तो बता, कितने दिनों से तू मेरे मुंह पे कालिक पोत के मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थी? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, आपके बेटे ने ही हम दोनों को धोखा देकर उस बेचारी मीना को फांस लिया। क्या मेरे बेटे ने मीना को फांसा है? मेरा बेटा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात का विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, वहाँ देखिए। हाँ? आपका बेटा ही है ना? लग तो वैसे ही रहा है। जब हमारी शादी की बात निकली तो आपके पिताजी एकदम चौंके थे, उसके बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। मीना, मेरे पिताजी तो क्या ये दुनिया ही मेरे अगेंस्ट हो जाए तो भी मैं तुम्हीं से शादी करूंगा बोल दिया। ये कैसे होगा, कोई अमीर लड़की आपकी पत्नी बने ऐसा आपके पिताजी सोच रहे हैं? इस गरीब लड़की को अपनाने के लिए आपके पिताजी क्या भगवान है? वो एक आम आदमी तो है। हाँ, हाँ, आम आदमी हूँ, बिल्कुल गया गुजरा आम आदमी हूँ। जिसे ऊंचाई पे खड़ा होना चाहिए वो गड्ढे में जाके खड़ा है, वैसा मामूली आम आदमी हूँ। मेरे बेटे डॉक्टर के लिए लाखों का दहेज देकर लड़की देने वाले लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन तू दोनों आँखों से अंधी है फिर भी मेरे बेटे को दबोच लिया। पिताजी आप उसे कुछ मत कहिएगा, मैंने ही सबसे पहले उससे प्यार किया। चॉकलेट के लिए जब बच्चा रोता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, चॉकलेट दिखाने वाले की गलती। आप कहना क्या चाहते हैं? रुक सुन मीना, अगर शादी करने का इतना शौक है तो बीच रोड में जाके एक माला लेकर चुपचाप चलती जा, जिसका भी उस माला में सिर घुसेगा वही तेरा पति होगा, जा। सुन लिया आपने, मैंने पहले कहा था
लेकिन आप नहीं माने। अब मुझे कितनी खरी खोटी बातें सुननी पड़ रही हैं। हाँ, बड़ी इज्जत वाली है ना जो आंसू बहा रही है और तू खड़ा है। पिताजी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे को जिसने उकसाया उस रानी को काट देने का मन करता है। ये क्या पिताजी, आपके जो मन में आया बोले जा रहे हैं। पहले आप उससे माफी मांगिए। ये क्या बहुत बड़ी वीआईपी है जो ये केदारनाथ से माफी मांगे? तुझे मार मार के सीधा करना पड़ेगा। चल आप पहले उससे माफी मांगिए। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। चल घर चल पिताजी। चल बहन, बहन रानी, क्या हुआ मीना? मैं यहाँ एक फैसले के साथ आई हूँ। कैसा फैसला? तुम मेरी बात का अगर बुरा नहीं मानोगी तो बताती हूँ। मैं कोई बुरा नहीं मानूंगी, अब बताओ। मैं ये गांव छोड़ के जा रही हूँ। मीना, ये तू क्या कह रही है? आपने कहा था ना कि आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। अब मैं अगर यहाँ रही तो ना तो मेरा भला होगा और ना ही किसी और का। आपने आज तक मेरी बहुत मदद की है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। रुको मीना। क्या है बहन? तुमने जो पैसे जमा कराए थे वो लेकर चली जाओ। आंखों के इलाज के लिए पैसे जमा किए थे, अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ आंखों की ही जरूरत नहीं। बहन, मेरे नाम से वो पैसे किसी मंदिर की हुंडी में डाल देना। मीना, ए मीना, मीना रुक जाओ। ए मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे रास्ते में मत आइए, मुझे जाने दीजिए। नहीं मीना, मुझे ये सजा भोगनी होगी। किसी भी अंधे को इतनी आस नहीं रखनी चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे घर चलो, मेरी बेटी बन के रहना। चलो बेटी। मालिक, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपना सम्मान मत गिराइए। अगर मैं आपके घर में चली आई तो आपकी शांति भी छिन जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। मीना। दीदी, आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? मैं तुझे छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? चलो बेटी, चलो। चलो दीदी, हमारे घर चलो ना। चलो। भैया केदारनाथ जी, बेकार की बातें मत करो। तुम्हारा बेटा उस लड़की से बेहद प्यार करता है। इतना होने पर भी तुम्हारा मना करने पर वो छोड़ देगा क्या? उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? उस लड़की को मैं ही भगा दूंगा। आप क्यों भगाएंगे? बेटे को वो पसंद है और मुझे भी वो पसंद है। पहले मुझे पसंद आनी चाहिए। बात सुनो प्रभुनाथ जी, वो लड़की दोनों आंखों से अंधी है। पति को माला पहनाने के लिए उसके हाथ में माला देंगे तो वो पड़ोस के लड़के को माला पहना देगी, उसे मैं अपनी बहू बनाऊं? ओ, वो अंधी है इसीलिए तुम मना कर रहे हो ना? ऑपरेशन करके उसकी आंखें बदलने के लिए इस समय आई बैंक में आंखें नहीं है। एक जोड़ी आंखें मिलते ही उसकी आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। ऐसा बाहर के डॉक्टर नहीं, तुम्हारा बेटा भी बोलता है। आंखें तो ठीक हो जाएंगे लेकिन उसके पास पैसे नहीं है ना। ओ अच्छा, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुनो, मेरी पूरी जायदाद कितने की होगी? यही कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 करोड़ की होगी। इस पूरी जायदाद की वो वारिस बनेगी, उसे मैं दत्तक बनाता हूँ। मीना आज से मेरी बेटी है, मेरी जायदाद में उसका भी हिस्सा ऐसा साइन करके लिख के देता हूँ। आप क्या बोल रहे हो? तब तो वो करोड़पति हुई, वही बहू करोड़पति, हमारी बहू पूरी करोड़पति होगी। मुझे अब ये रिश्ता मंजूर है। अरे ओ कंपाउंडर जी, बुलाया मुझे। सीधा होटल जाके छोले भटूरे 10, दही बड़े भी 10, आलू के पराठे 10 और रसमलाई 10, ये सब का सब लेकर 10 मिनट में आ जाऊंगा। रुक, कहीं और जाके दम मार के सो मत जाना। इस बार सारा सामान सच में लेके आना है। हे, इनका मन बदले उसे पहले जाके ले आ। क्यों प्रभुनाथ जी, क्या देख रहे हैं? मेरे घर में किसी की सबसे पहली खातिरदारी यही है, इसलिए खा के ही जाना। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे हम 3 हैं और उसे सारा सामान 10-10 लाने को कह दिया। ए! कोई बात नहीं, पहले आप बैठ जाइए। तो बाकी का क्या करेंगे? बस अभी आता ही होगा, सारा 10-10 लाएगा। ये क्या सर, जब पता है कि बीमारी है तो डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए ना। किसी अनपढ़ को समझाएं तो बात अलग है। आपको भी सुनो चंदर, खाने पीने की बात में अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ने के बाद उसका अनुसरण करो। पोता दादा को सिखा रहा है। क्यों रे, इसी ने सिखाया है क्या? नहीं दादू, ऐसा हमारे टीचर ने हमें कहा है। आज मैंने जो पढ़ा है उसका अनुसरण करूंगा। क्या उसका अनुसरण करोगे?
ये सब अच्छे बच्चे क्या करते हैं, तुम करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओफो, मैंने क्या पढ़ा, ये कोई पूछता क्यों नहीं है, लगता है किसी के पास दिमाग ही नहीं है। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कबीरदास के सारे दोहे इसने रट लिए हों। अरे छोड़ ना राजा। सुनो, तुम्हारी पहेली क्या है, मैं सुनूंगा, बताओ क्या बात है। यदि हमारे पास दो हैं, तो उसमें से एक जिसके पास नहीं है उसे दो। हमारे पास दो रोटी हैं, तो उसमें से एक जिसके पास नहीं है उसे दो। तुम सुधरने वाले नहीं हो। रुकिए ना अंकल, जैसे अभी मेरे पास दो हैं, उसमें से एक मैं जिसके पास नहीं है उसे दूंगा। अब मैं किसे क्या देने वाला हूँ बताओ। क्यों मीना, कहीं चॉकलेट तो नहीं? चॉकलेट नहीं होंगी, शायद चिकलेट होंगी। जी नहीं। हाँ हाँ, आजकल मैं समझता हूँ पढ़ने वाले बच्चे अपने पास में क्या रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, ला मुझे दो। नहीं। तो क्या तुम बीड़ी पीते हो? उफ़ो अंकल। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है, रोटी। जी नहीं। तो पैसे होंगे? नहीं। ठीक है, तुम ही बताओ। आँखें। अभी मेरे पास दो आँखें हैं, उनमें से एक मैं मीना दीदी को देने वाला हूँ। राजा, ऐसी बातें नहीं करते, फिर कभी ऐसी बात मत बोलना। एक आंख से सब देख सकते हैं ना, अब दूसरी आंख अगर तुम्हें दे दी जाए तो तुम भी देख सकोगी, मैं भी देख सकूंगा। तुम दोगे तो भी हम नहीं लेंगे, जिंदा इंसान की आंखें हम लोग लेते नहीं है, मरने के बाद ही वो आंखें दान में लेते हैं। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना, इसीलिए तो कहते हैं कि जो पढ़ते हैं उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि क्या करना चाहिए। चलो। इससे सीखना, लेकिन इसके बाप से मत सीखना। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, फूलों जैसे मुस्कुराते रहो। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, फूलों जैसे मुस्कुराते रहो। दिल भी तुम्हारे है फूलों जैसे, उड़ते रहो सदा पंछी जैसे। कभी की तुम हो कविता, तानियों में तुम हो दानवी। कभी की तुम हो कविता, तानियों में तुम हो दानवी। देश की रक्षा करोगे तुम, सबके आंखों के तारे हो तुम। देश की रक्षा करोगे तुम, सबके आंखों के तारे हो तुम। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, फूलों जैसे मुस्कुराते रहो। पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है। पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है। सच्चे राहों में चलना है, सबको राह दिखाना है। सच्चे राहों में चलना है, सबको राह दिखाना है। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, फूलों जैसे मुस्कुराते रहो। कभी न करना बुरे काम, बुरे काम का हो पूरे।
हमारे है फूल जैसे, उड़ते रहो सदा पंछी जैसे। राजा, hey, राजा 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 राजा, क्या हुआ इसे? डरिए नहीं, कुछ नहीं हुआ, घर के अंदर ले चलो। बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से नहीं हो रहा है राजा। राजा राजा क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है राजा, सब ठीक हो जाएगा। चंदन, राजा को ऐसा क्यों हुआ है? ये अचानक बेहोश होकर गिर गया, पेट में कहीं अल्सर या कोई पथरी तो नहीं? कुछ नहीं, ये काम करते हैं, ब्लड टेस्ट और एक्सरे निकाल कर देखते हैं। क्या हुआ परमेश? राजा को देखने के लिए आया था, वो अब कैसा है? डॉक्टर ने ज्यादा बात करने के लिए मना किया है। मैं गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है अंकल, आज आप सुबह ही सुबह आ गए? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं अंकल? थोड़ी बहुत बात करके जल्दी से। कोई बात नहीं है राजा, रात भर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा, मैं सोया भी नहीं पता है, लेकिन अचानक मुझे एक सपना आया। रुकिए, जब आप सोए ही नहीं तो सपना कहाँ से आएगा? लेकिन मुझे वो सपना आया जागते हुए ही आया। दरअसल मेरा बेटा पेट के दर्द से तड़प रहा है, ऐसा सपना आया, तो फौरन तुमसे मिलकर तुम्हें बोलकर सोचा मैं अपने गांव चला जाऊं। बेचारे, सपने में देखो तो ऐसा नहीं बोलते, सच में देखो तो ऐसा बोलते हैं। वैसे मैं भी बचपन में जब तुम्हारी उम्र का था तब ओहो, अपना ख्याल रखना। अच्छा तो मैं चलूं राजा। रुकिए ना अंकल। माँ, मेरे लिए जो तोहफे आए हैं उनमें से अंकल को कुछ दीजिए ना। मैं तोहफा लेकर क्या करूँगा राजा? आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, यानी मेरे भाई के लिए। राजा, भगवान ने तुझे कितना बड़ा मन दिया है जो हमेशा तुम कुछ ना कुछ किसी को देने के ही सोचते हो। मैं तुम्हारी क्या बोल के बड़ाई करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तोहफा लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, लेकिन ये तोहफा देखते ही मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा, पिताजी ये कहाँ से लाए और किसने दिया? जिस बच्चे ने दिया वो बच्चा कैसा होगा? बहुत खूबसूरत होगा ना? ऐसा सवाल पूछेगा, इसलिए एक फोटो मिल जाए तो मैं उसे राजा का अगर एक फोटो दे दे तो। जल्दी वापस आ जाना। जितना जल्दी बनेगा मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हें देने वाले फूल सारे जब मैं वापस आऊंगा तो एक साथ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है अंकल। मेरे बारे में जानते हो ना? मैं जब भी कुछ लेता हूँ तो उसे वापस कर देता हूँ, है ना? ओहो, वो बात है। हाँ ठीक है अंकल, थैंक यू। मैं चलता हूँ माँ जी। हाँ, एक्सरे भी लेकर आइए, तभी मैं बता पाऊंगा कि बात क्या है। ठीक है, ओके, नमस्ते, आइए बैठिए अंकल। राजा आप कैसा है? ठीक है। ये क्या अंकल, आपके चेहरे पर खुशी की एक झलक भी नहीं है? कैसे होगी चंदर, तुम तो हमेशा बोलते हो ना कि मैं 16 साल के लड़के की तरह एकदम जवान हूँ,
राजा की तबीयत खराब होते ही मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास हो गया। नहीं नहीं, सब कुछ जानते हुए भी आप इस तरह से नर्वस हो रहे हैं। बच्चों को तो अक्सर बीमारी आती जाती रहती है, तो उसके लिए मैं हूँ ना। आप जरा हिम्मत रखिए। ब्लड रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ आ गई है। उसे देखकर कुछ पता चला? कोई खास नहीं है, बस एक मुझे छोटा सा शक है, इसीलिए दोबारा जांच के लिए ब्लड कैंसर हॉस्पिटल में भेजा है। नहीं, कैंसर हॉस्पिटल में भेजने से इसका मतलब ये नहीं कि उसे कैंसर है। मेरे ख्याल से रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। इट्स पॉसिबल। आजकल इस तरह के कई केस मैंने देखे हैं। अंकल चलता हूँ। क्या हुआ बाबूजी? डॉक्टर के पास सुबह गए थे, अब आ रहे हैं। डॉक्टर के पास तो मैं कब का निकल गया था, बाहर दूसरा काम था। डॉक्टर ने क्या कहा? शांति, मुनीम आया था, वो चला गया क्या? वो तो हिसाब देकर सुबह ही चला गया। चला गया? डॉक्टर ने क्या कहा? बताता हूँ। खिलौनों के लिए नए रंग की जरूरत है, मीना ने कहा था, खरीद के दे दिए क्या? बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। पहले बुला के दो। बाबूजी, डॉक्टर ने क्या कहा आपने बताया ही नहीं। बताता हूँ। वो मालिक कहाँ गया? बागीचे में पानी डाल दिया है। कारपेंटर दरवाजा ठीक करके चला गया। पेंटर पेंट करके चले गए। सारे काम हो गए हैं। अब तो बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? दरअसल डॉक्टर, जाओ, राजा बुला रहा है, जाके देखो क्या है। ये दवा पी ले बेटे। दवाई क्यों माँ? ताकि तू अच्छी तरह सो जाए। सोने के लिए दवा की क्या जरूरत है? लोरी सुनाओ ना माँ, मैं सो जाऊंगा। खिलता है फूल महीने में एक बार, बरसों में खिलता है फूल एक बार। खिलता है फूल महीने में एक बार, बरसों में खिलता है फूल एक बार। चाहे हर दम लाडला मेरा मुझसे आके क्या क्या कहे। मम्मी मम्मी, खिलता है फूल महीने में एक बार, बरसों में खिलता है फूल एक क्या कहे। अब सो जा मेरे लाडले, तू सो जा रे। अब सो जा मेरे लाडले, तू सो जा रे। चंदर, उस अस्पताल से रिपोर्ट आ गई? हाँ रिपोर्ट तो आ गई है। जल्दी से बताओ उस रिपोर्ट में क्या है। आप पहले ये दवाई खा लीजिए। पहले बताओ फिर मैं खाऊंगा। आपको बीपी है, पहले ये खा लीजिए, बाद में बताऊंगा। अब बताओ। तो रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स तो वैसे आ चुकी है। अंकल आई एम सॉरी, राजा को ब्लड कैंसर। आ,
अंकल, राजा को जीने का वरदान इतना ही मिला था। अब मैं तुझे बचा लूंगा, तेरा इलाज करूंगा, ऐसा अगर कहा तो अपने आप से धोखा होगा। राजा को अब कोई भी डॉक्टर बचा नहीं पाएगा अंकल। अब हमें बस इसी बात का ख्याल रखना है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो, उसे खुश रखें, वो हंसता रहे, बस इतना ही। अंकल, क्रिकेट खेलिए ना। अब इस उम्र में क्या खेलूं बेटे, वो चाहता है ना। प्लीज बॉल। मैं तो कब का आउट हो गया। हाँ ठीक है, चलो हम लोग खेलते हैं, मैं खेलता हूँ अभी। हाँ चलो बॉल डालो। हाँ हाँ रेडी, बॉल डाल। अंकल मुझे आपने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया है, माँ ने भी घर में पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया है, मुझे बहुत बोर लगता है अंकल। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तबीयत ठीक होते ही स्कूल जाना। वैसे मैं अभी अपनी पढ़ाई भूल गया हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में एडमिशन लूंगा, फिर दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। राजा आइए। मिस कैसे हो राजा? अच्छा हूँ। बैठिए। राजा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है मिस। राजा इस बार हम सब लोग एक्सकर्शन जा रहे हैं, हम लोग तुम्हारे बिना जा रहे हैं, इस बात का बहुत दुख है। हाँ यार राजा, पूरी की पूरी क्लास जा रही है, तेरे नहीं होने की वजह से बहुत दुख हो रहा है यार। रामू तू फर्स्ट आया है ना? हाँ राजा, सारे सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट आया हूँ। राजा अच्छा तो हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना बेटे। अगले साल एक्सकर्शन में तुम भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है? तुम्हें चलूं? बाय राजा। बाय राजा। देखा अंकल, वो सब लोग मस्ती करने के लिए घूमने जा रहे हैं। तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें मस्ती देखनी है बस इतना ही ना। मैं अभी दिखाता हूँ। कैसा लगा? अब भी बहुत मजाक करते हैं अंकल। राजा क्या वो रात भर तुम सोए नहीं? नींद नहीं आई दादू, अजीब सा लग रहा था। तो जरा सा भी नहीं सोए? थोड़ी देर आंख लगी तो दिवाली मनाने का सपना आया, और माँ ने ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, मैंने खूब सारे पटाखे फोड़े, हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। दादू हा? दिवाली आने के लिए अभी बहुत सारे दिन हैं क्या? नहीं बेटे जल्दी आएगी, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे ही क्या तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा दादू? बोलिए ना, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ बेटे तुम ठीक हो जाओगे, हम धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, अब तुम सो जाओ, सो जाओ। हम मनाने जा रहे हैं सचमुच की दीपावली, ऐसा राजा को लगे, उसके लिए हमें एक्टिंग करनी होगी। सब पोस्ट कर दिए ना? हाँ कर दिए। तुम बिल्कुल पोस्ट में लगने चाहिए। राजा को क्या हुआ सर, एक्टिंग क्यों करनी पड़ रही है? दरअसल बेटे राजा केवल तुम्हारा स्कूल छोड़कर ही नहीं, केवल इस घर को छोड़कर ही नहीं, वो तो ये दुनिया छोड़कर जाने वाला है। हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ चंदर। अंकल ये सब क्या है? इसे 20 तारीख के अंदर
दिवाली मनाने का हमने फैसला किया है। वो किस लिए? दिवाली मनाने जैसा राजा ने सपना देखा है, वो दिवाली का त्योहार मनाना चाहता है। उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी, तुमने कहा था ना, बस इसीलिए उसके खुशी के लिए झूठ मूठ के दिवाली मनाने के लिए इन्हें तैयार कर रहा हूँ। मेरी बात सब समझ गए ना? अब तुम जाओ। जी अच्छा। क्यों अंकल, इन्हें तो आपने एक्टिंग करना सिखा दिया, जो दुख आपके सामने आ रहा है उसका आप सामना कैसे कर पाएंगे अंकल? राजा को क्या बीमारी है, जब तुमने मुझे बताया था मुझे कुछ नहीं हुआ, तभी से ये दिल पत्थर का बन गया। मैं समझ गया, समझ लो मैं जी रहा हूँ राजा के लिए ही। वो तो ठीक है, ये आप अपनी बहू से कैसे बताएंगे अंकल? उसे भी बताना ही होगा। हाँ उन्हें बता दीजिए अंकल, क्योंकि ये बात छुपाना अच्छी बात नहीं है, उन्हें सांत्वना भी आपको ही देनी होगी। मौका देखकर मैं उसे ये बात बता दूंगा। शांति, इसी आने वाली 20 तारीख को हमारे यहाँ दिवाली होगी। उसके लिए तो अभी 3 महीने पड़े हैं। तब तक रहने वाला नहीं है, इसीलिए हम अपने घर में दिवाली पहले मना रहे हैं। कौन नहीं रहेगा? राजा और कौन, तुम्हारे माँ बाप की भी इच्छा होगी कि तुम और राजा दिवाली वहाँ मनाएं। तुम दोनों वहाँ गए तो दिवाली पर यहाँ नहीं रहोगे ना, बस इसीलिए। आप किसे धोखा दे रहे हैं बाबूजी? अपने माता पिता को छोड़कर मैं आपकी बेटी के साथ जब यहाँ आई, मेरी कोई बेटी ही नहीं थी ऐसा बोला मेरे पिताजी ने, और मेरी एक बेटी है ऐसा आपने मुझे बोला था, इसलिए मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं बुलाएंगे और आप भेजने वाले भी नहीं हैं। सच क्या है बताइए, दीपावली तो कौन नहीं रहेगा? मैंने तुझसे छुपाना चाहा बेटी, पर छुपा नहीं पाया। मैं सच्चाई बताता हूँ, दिवाली तक जो नहीं रहने वाला है वो मैं हूँ बेटी। आपकी स्वास्थ्य के बारे में आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं है, और अगर वो है भी तो मेरे ऊपर और बच्चे के ऊपर जो आपका प्यार है वो आपको यमराज से भी छीन लाएगा। ये झूठ आप किसी और से बोलिएगा, मुझे सच्चाई बताइए। सच्चाई सुनना चाहती हो तो तुम पहले ये दवाई खा लो। ये किस लिए? बेटी सच इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज होती है, सुन के अनहोनी हो जाती है, तुम बर्दाश्त कर सको इसीलिए बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? पहले दवाई खा लो, पहले मुझे सच्चाई बताइए। असली दिवाली आने से पहले ही हमें छोड़कर जाने वाला है राजा। राजा। हाँ बेटी, हमारे फूल जैसे बेटे को ब्लड कैंसर है। खाओ बेटी। दीदी तुम भी खाओ ना दीदी। मैं देती हूँ। हाय मिठाई बहुत अच्छी है। दद्दू के लिए? बाबूजी। खाने दो बेटी, आज जी भर के मिठाई खाना चाहता हूँ। दादू ज्यादा मत खाना क्योंकि आपको शुगर कंप्लेंट है। जी भर के खाऊंगा बेटे, अब मेरी उम्र भी क्या रही, दीपावली के दिन मिठाई नहीं खाएंगे तो। दीपावली है कब? कल है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले तो गई थी। कैलेंडर में लिखा है ना, देखा नहीं क्या? कैलेंडर में कौन सी तारीख है मैं कैसे देख सकती हूँ? आजकल पलक झपकते साल बीत जाता है। सर पोस्ट। राजा तुम्हारे दोस्तों ने दिवाली के ग्रीटिंग्स भेजे होंगे शायद, जाओ जाके ले लो। ये लो राजा, दिवाली की शुभकामनाएं। अरे बच्चे को मस्का क्यों लगा रहा है, मैं देता हूँ। सर पोस्ट। तुम कौन हो, किस एरिया के हो? मैं भी पोस्टमैन हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है लेकिन किस एरिया के हो? अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो, दोनों को देता हूँ। मैंने कभी कहीं देखा नहीं, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे चिल्लाओ नहीं, दे रहा हूँ ना। माँ माँ, परमेश अंकल ने लेटर डाला है। क्या लिखा है? दिवाली के एक हफ्ते पहले ही
मैं आ जाऊंगा ऐसा लिखा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। आने के लिए लिखा होगा पर कहीं रुक गए होंगे। लिखा है तो आना चाहिए ना। राजा वो आ जाएगा बेटे, वैसे भी हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। चलो मिठाई खाते हैं। अंकल मैं भी आता हूँ ना अंकल। नहीं तुम नहीं, तुम कौन सा फोड़ना चाहते हो बोलो, मैं फोड़ूंगा। वो वाला ठीक है। देखो अभी फोड़ता हूँ। इधर ला। रामू इधर आ। तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं ऐसे ही। अरे बता ना। तुझसे बताने के लिए तेरे दादा ने मना किया हुआ है। कोई बात नहीं बता। ये तेरी इच्छा पूरी करने के लिए झूठ मूठ की दिवाली है, असली दिवाली आने से पहले तू मर जाएगा। दादू। क्या है राजा? दादू बोल बेटे। अगर मैं मर गया तो मेरी आंखें निकाल कर मीना दीदी को लगवा देना। ठीक है बेटे। अंकल आपने मुझे फौरन बुलाया। राजा तुम्हें देखना चाहता था। राजा देखो डॉक्टर मिलने के लिए आए हैं। आइए अंकल बैठिए। अंकल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो राजा। मीना दीदी को दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए उन्हें छोड़ना नहीं अंकल। अभी ये सब बातें क्यों, तुम आराम करो राजा। अगर अभी नहीं बोल पाएंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। ज्यादा बात ना करके सो जाओ बेटे। नींद नहीं आ रही है दद्दू, बहुत दर्द हो रहा है। माँ वो लोरी सुनाओ ना माँ। वो लोरी सुनकर मैं आंखें बंद कर लूंगा माँ। गाओ ना माँ। तुझको कुछ पता नहीं है मेरे लाल, कितनी दुखी रहती हूँ मैं आजकल। तुझको कुछ पता नहीं है मेरे लाल, कितनी दुखी रहती हूँ मैं आजकल। दुनिया करेगी तेरा सजदा, बरसात होगी फूलों की जहां जाएगा। बरसात होगी फूलों की जहां जाएगा। जिसे सब सुनना चाहे हरदम, लड़ला मेरा मुझसे आके क्या क्या कही, क्या क्या कही। राजा राजा बैंक।
मैं प्रभुनाथ बोल रहा हूँ। यस सर, मेरा पोता सबको छोड़कर चला गया। जैसा हमने कहा था, आप आकर उसकी आंखें निकाल। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे की आंखें किसी को नहीं निकालने दूंगी। शांति बेटी, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैं अपने जीते जी इस बात को कभी नहीं मानूंगी। मेरा बच्चा बिना आंखों के स्वर्ग में जाए, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी। फोन करके पहले उन्हें मना कर दीजिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं नहीं कर सकता। इस बारे में तुमसे भी ज्यादा दुख मुझे हो रहा है बेटी। तो फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? राजा नहीं बचेगा ये जानते ही डॉक्टर ने राजा से कहा, राजा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बेटे? तो उसने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें निकालकर मीना दीदी को लगा देना कहा। हम उस नन्हे सी जान को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना तो हमारा धर्म है। ऐसा करने वाले आप कौन होते हैं? जन्म देने वाली मैं बोल रही हूँ। मेरी इजाजत के बिना कोई राजा को छुएगा भी नहीं। बेटे का दुख भूलकर पोते पे जान छिड़कता हूँ बोलते थे, यही आपका प्यार है? आपका दिल क्या पत्थर का है? हाँ बेटी, मेरे अंदर भी प्यार है। लोगों के ऊपर तरस खाने वाले का दादा हूँ मैं। आपको अगर सच में प्यार है तो थोड़ा सा जहर देकर मुझे मार दीजिए, उसके बाद मेरे बच्चे के साथ जो करना चाहे आप। तुम राजा को अपना बेटा मानती हो बेटी, लेकिन मैं उसे देवता मानता हूँ। उसमें देवताओं में कोई अंतर नहीं। बाबूजी। हाँ बेटी, कर्ण जब घायल होकर पड़ा हुआ था तो उससे प्रभु ने पूछा, तुझे क्या वरदान चाहिए पुत्र? मैं चाहे कितने ही जन्म लूं, मुझसे मांगने वाला कोई खाली हाथ न लौटे, ऐसा उसने कहा। और प्रभु ने उस कर्ण को वो वरदान दिया बेटी, लेकिन तेरे बेटे ने बिन मांगे ही अपनी दोनों आंखें मीना को दान कर दी। कम से कम अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए हाँ कर दे बेटी, हाँ कर दे बेटी। ऐसे ही माला को ज्यादा नीचे मत लटका, गाय मुंह मार लेगी। अबे ये कैसे फूल लगाए हैं? फूलों में से खुशबू नहीं आ रही है, इसमें सेंट मार तभी ये मालाएं बिकेंगी। परमेश भैया। हाँ। अरे डॉक्टर साहब, आप अचानक हमारी दुकान की तरफ कैसे? परमेश, मुझे फूलों की माला चाहिए। ये बात है, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारी आज मीना के साथ शादी होने वाली है और मैं गाँव में हूँ, देखा? ये क्या साहब, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? ये शादी के बाद होना चाहिए, शादी के दिन तो बहुत ही खुश रहना चाहिए। परमेश, फूल शादी के लिए नहीं, अर्थी के लिए चाहिए। अर्थी के लिए मैं फूल नहीं देता हूँ। वो देख रहा हूँ वहाँ जो दुकान है, वहाँ जाके लीजिए। बड़े इंसान के लिए एक माला 15 रुपए, जवान हो तो एक माला 10 रुपए और अनाथ के लिए एक माला 2 रुपए, ऐसा उसके यहाँ रेट बंधा है। परमेश, मैंने कहा ना अर्थी के लिए फूल नहीं दूंगा। भैया, हमेशा तुम ही तो राजा को फूल देते हो ना। मैं जाके कहाँ देता हूँ, हमेशा राजा मेरी दुकान पे आके फूल लेके जाता है। गाँव जाते समय भी उसने कहा था कि अंकल अंकल, मैं आपके फूलों के लिए इंतजार करूंगा। आज उसके बदले मैं आया हूँ। उसे चाहिए तो वो खुद आएगा, आप क्यों आए हैं? क्योंकि अब वो नहीं आएगा। क्यों? वो मर गया परमेश। राजा, फिर भी आपने उसे नहीं बचाया। मैं उसे नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। डॉक्टर साहब, राजा।
वहां देखो। देर है, आंखों पे हाथ मत लगाओ। सब दिख रहा है, मैं अब देख सकती हूँ, मैं सब देख सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आंखों की रोशनी लौटाने वाला कौन है पता है? जरा इधर आओ। डॉक्टर चंदर ही, शुक्रिया अदा करना है तो उनका करो। ये हैं राजा के पिताजी। राजा कहाँ हैं? माँ जी कहाँ हैं? वो घर में ही हैं। राजा, राजा, मैं अब देख सकती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम कहाँ हो? राजा, ये कहाँ जाकर छुप गया? राजा, ये राजा की माँ है। माँ जी, आपने जो मेरी सहायता की और जैसी मैंने आपके बारे में कल्पना की थी, आप बिल्कुल वैसी हैं। राजा कहाँ है माँ जी? जो कुछ भी देख रही हो वो राजा की आंखों से देख रही हो। क्या? मजाक में एक आंख देने के लिए कहा था, हकीकत में दोनों आंखें देखकर चला गया। ओ राजा, राजा।